नमस्ते लक्ष्मी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मूंग दाल आटे से बनी क्रिस्पी नाश्ता। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तेल सरसों का डाला है, फिर मैंने उसमें धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन का आटा लिया है उसको डाल लिया है मैंने। फिर इसको मैं चलाऊंगी 2-3 मिनट, इसे ब्राउन होने तक सेकूंगी। अब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, ये लाल मिर्ची अच्छे से भूनना है मुझे। ये भून चुका है, ये मसाला तैयार किया है मैंने, ये क्रिस्पी रोल बना रही हूँ, उसके लिए फिलिंग बननी है। ये गरम मसाला ऊपर से वो डाल दिया मैंने जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। ये मेरे तैयार हो चुका है मसाला, इसमें मैंने ऊपर से नमक भी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे। मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं एक कटोरा ले रही हूँ बड़ा सा, उसमें मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, अजवाइन है, ये अजवाइन डा क्रश करके डाली है, 1 नमक डाल लिया आधी चम्मच, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालना है मोमन के लिए, अब इसे पानी की सहायता से मैं आटा लगाऊंगी इसका। थोड़ा पानी करके इसको इसी तरीके से लगाना है आटा, जिस लग चुका है मेरा आटा थोड़ा टाइट लगाना है पूरी की तरह। अब इसकी 2 मैंने रोल काट लिए हैं, अब इसे पूरी की तरह बेलना है मुझे, हाथ की सहायता से थोड़ा बड़ा करना है इसे इस तरीके से। अब बेलन की सहायता से बेलना है इसे, बड़ी पूरी की तरह से बनवानी है। ये बेल चुकी है मेरी पूरी, थोड़ा सा घी लगा रही हूँ इसे। इसके बाद मूंग दाल और बेसन का वो जो मैंने मसाला बनाया था उसे पूरी पूरी पे लगाना है मुझे। पूरी पूरी पे अच्छे से रखना है इसको ऐसे। थोड़ा सा दबाना है इससे इसे फिक्स हो जाए। अब इस कूड़ी को मुझे टाइट करके इसे दबाना है हाथ की सहायता से,
तरीके से रोल बनानी है। साइड से दबा देती हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे मसाला निकले नहीं इसका। अभी चाकू लेते, चाकू से इसे पीस में काट लेती हूँ गोल गोल, साइड काटा दिया ये। इसी तरीके सारे पीस काट लिए, ये हाथ से दबाना है इस तरीके से। सारे रोल कट चुके हैं, तो सबको मैं दबा लेती हूँ हाथ की सहायता से ऐसे। अभी सारे रोल बन चुके हैं मेरे, गैस पे कढ़ाई रख ली है, उसमें मैंने देसी घी डाल लिया है। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। लो फ्लेम पे सेकने हैं, हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब तक सेकने मुझे। पलट देती हूँ मैं कलछे की सहायता से, दिख सीख चुके हैं मेरे ब्राउन हो गए। तो निकाल लेती हूँ इनको, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।